ये देखिए मैंने अभी पूजा कर ली, अभी मैंने तो ये देखिए करवा चौथ की थाली और ये। तो गाइस अभी मैं थोड़ा पूजा के लिए, तो गाइस ये रहा मेरा करवा चौथ का सामान। तो सबसे पहले है इसमें यहाँ पे है पिछौड़ा, फिर मेरी करवा चौथ वाली थाली। तो ये रहा मेरा करवा चौथ का मंदिर। हाय गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी शाम के बजे हैं, 6 बजे हैं, तो हम लोग आए हैं मॉल। तो यहीं से आज मैं करवा चौथ की शॉपिंग भी करने वाली हूँ मॉल से ही, और यहाँ से मेहंदी लगाने के लिए भी आई हूँ। तो मैं फटाफट मेहंदी लगा लेती हूँ और निवी भी चल रही है मेरे साथ। तो अभी आप देखो कितना अंधेरा हो गया है, तो अभी हम चलते हैं मॉल पे और बहुत सारी भीड़ हो रही है, मैं आपको दिखा। लाल कलर का मिल जाएगा, बड़ा चाहिए तो। साड़ी देख रही ना, अच्छी नहीं लग रही देखो। हाय गाइस हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस मैंने आपको कल अपनी मेहंदी दिखाई थी, लेकिन फिर शाम हो गई थी तो मैंने शूट नहीं करा अपना ब्लॉग। तो अभी मैं नहा धो लिया है मैंने, बस अभी पूजा करने के लिए जाऊंगी, अभी मैं पूजा करूंगी। तो ये रहा मेरा मेहंदी का फाइनल लुक। तो ये देखिए ये कलर आया हुआ है, और ये मेरा बैक साइड है देखिए। तो ये रहा मेहंदी का कलर, तो ठीक है लेकिन मुझे ज़्यादा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर कोई बात नहीं चलेगा। तो गाइस और मैंने जो शॉपिंग करी है वो मैं, अगर ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी, अगर ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसमें नहीं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैं क्या कहते हैं पूजा वगैरह करने वाली, तो पूजा वगैरह करती हूँ और फिर शॉपिंग करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी और आप लोगों को कैसा लगा। गाइस ये देखिए मेरा करवा चौथ का जो मैंने शॉपिंग करी थी वो सामान है। तो सबसे पहले ये करवा चौथ की प्लेट है, देखिए इसमें कितने प्यार से हैप्पी करवा चौथ लिखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरी जो ये छन्नी है इसमें भी हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे रखे हैं दो करवे, और ये करवे और ये करवा माता की फ़ोटोज़ है। और ये होती है सीख जो हमें चाहिए होती है पूजा के लिए। और ये है मेरे करवा चौथ का सामान, मतलब इसमें मैंने श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, कुछ कॉस्मेटिक, अभी इसमें थोड़ा सामान कम है वो रखना बाकी है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में रखूँगी। और ये देखिए ये रहा पूरा अच्छे से, तो और मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और कुछ वहाँ पे फूल वगैरह भी रखे, तो वो ना मैं आपको बाद में दिखाते रहूँगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके सारा सामान दिखा। तो गाइज अभी मैं थोड़ा पूजा के लिए, मुझे पूजा करने के लिए जाना है, तो मैं आप लोगों को इससे पहले अपना सारा करवा चौथ का जितनी मैंने शॉपिंग वगैरह करी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये है करवा। तो ये करवा चौथ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना पूजा अधूरी होती है। हम जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इन्हीं से देते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से है, और इनके ऊपर ये आते हैं ये दिए, और इन दिए के ऊपर आते हैं ये। तो ये मेरे हैं करवे, और करवे की बात कर ही रहे हैं तो करवे के बाद आती है इसमें ये सीख, तो ये हम लोग इसमें सीख लगाते हैं। तो ये करवा चौथ का ये हो गया, और उसके बाद आती है करवा चौथ की थाली। तो ये है थाली। तो थाली किस कैसी है मेरी ये दिखाती हूँ। तो ये है मेरी थाली जिसमें लिखा है हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत यूनिक सी है। तो काफ़ी मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे, क्योंकि ऐसा लिखा वाला चाहिए था, तो इस बार मुझे मिल गया। तो ये इसमें हैप्पी करवा चौथ, ये वीडियोस में थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, कोई बात नहीं मैं आपको वैसे दिखा दूंगी। तो ये हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है, और जो ये है इसमें भी मेरे उसमें यही लिखा है हैप्पी करवा चौथ, इसमें भी लिखा हुआ है। और जो मेरी ये छन्नी है इसमें भी हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है, बस इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से कुछ ऐसे होता है। तो ये करवा चौथ की ये हो गई थाली, और मैं दिखा देती हूँ। और ये है श्रृंगार की थाली, ये आपको दिख नहीं रही होगी ना, मैं अभी ऐसे कैसे दिखाऊंगी, तो मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए ये है, सबसे पहले तो ये करवा माता की फ़ोटोज़
फ़ोटो वगैरह रखी हुई है। और इसमें मैंने थोड़ा श्रृंगार का सामान रखा है, अभी पूरा नहीं रखा है, अभी मेरे पास जो जो था वो रख लिया, मतलब जो मुझे अभी मिल गया था तो वो रखा हुआ है। और इसमें फूल, चूड़िया, बिंदी वगैरह, मतलब ये होता है कि जितना भी आपके पास श्रृंगार का सामान है तो वो सब रखना पड़ता है। और ये वाला सारा श्रृंगार का सामान हमें या तो आप अपनी अगर आप लोगों के सास वगैरह यहाँ पर है या मम्मी लोग, मतलब अपने से किसी भी यंग लेडीज़ को आप दे सकते हैं जो कि मैरिड हो, तो ये पूरा वो वाला सामान है। और मैं आपको अपनी करवा चौथ की थाली दिखा रही थी जो कि बहुत स्पेशल थाली है मेरे लिए, क्योंकि इस बार मैं जो ढूंढने वाली थी वही मुझे मिला। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये रहा, हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए। और ये है मेरा, ये क्या कहते हैं, लोटा। इससे हम लोग जब चंद्रमा को देख के अपना व्रत खोलते हैं तो इसमें इसी से हम पानी वगैरह पीते हैं। तो ये रहा। और ये है छन्नी, तो देखिए इसमें भी बहुत प्यारा सा लिखा है, हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है। तो इससे हम चंद्रमा को देख के अपने पति को देखते हैं, मतलब उनका फेस देखते हैं। और ये रही उसके, इनके ऊपर से ये रही सीख, ठीक है। तो और ये तो करवा माता का, ये तो मैंने आपको दिखा दिए। तो ये करवा भी काफ़ी मतलब कलरफुल और डिज़ाइन वाला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये रहा। और तो फाइनली ये सारा मेरा सामान रहा, ये आपको मैंने एक एक बार सब दिखा दिया है। ये मेरा सिंगार का सामान है और ये मेरा पिछौड़ा है। तो अब मैं क्या कहते हैं वो करती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो आप लोगों को मैंने अपने करवा चौथ का सारा सामान दिखा दिया जो मैंने शॉपिंग वगैरह करी। और एक ये होता है मेन, जो कि मैंने अपने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया कि जो हम लोग मैरिड जो उत्तराखंड के होते तो उनके पास ये होता है। और ये मेरे करवा चौथ के जितने मैंने सामान वगैरह लिए थे वो ये रहे। और अब मैं पूजा करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने पूजा कैसे करी और कैसे मैंने अपना ये अभी। तो मैंने अभी पूजा पाठ कर ली है अपनी, सारा मतलब जितना भी मैं मंदिर का सामान वगैरह लेके आई थी वो सारा मैंने मंदिर में चढ़ा दिया है। और ये मेरी करवा चौथ की थाली है, इसमें मैंने जल भर के रखा है। अभी मैं जल दिन में अर्घ्य चढ़ाने जाऊंगी सूर्य को। और इसमें मैंने जो जो मुझे सामान चाहिए दिन के लिए वो मैंने इसमें रखा हुआ है। और अभी मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डेकोरेशन किया है, और आप ये बताइए कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा पहाड़ी लुक। तो अभी मैं ये चेंज करूँगी, फिर मैं शाम को दूसरी वाली साड़ी या फिर देखते हैं या कौन सी पहनूंगी, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। तो मैं भी कि यही वाली पहनूँ अभी कुछ कह नहीं सकती। तो अब मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ और अब तो ये रहा मेरा मंदिर। तो मैंने ये डेकोरेशन किया, मतलब खुद से बनाया। मैंने आपको बताया था कि मंदिर कि हम लोग मंदिर अलग से बनाते, जहाँ पे मंदिर होता है वहाँ पे नहीं बनाते, ये वाला करवा चौथ का अलग से बनता है। तो ये मेरा डेकोरेशन मैंने इतना सा रखा, ये करवा चौथ की थाली, यहाँ पे करवा माता है और ये करवे हैं। और ये यहाँ पे अभी मैंने वो किया, अभी मैं थोड़ी देर में अपनी कथा वगैरह पढ़ूँगी दिन में। और फिर ये रहा फाइनल लुक ये रहा। तो ये मैंने बनाया और मैं करूँगी वो मैं आपको दिन में दिखाऊँगी। ये मेरा बच्चा है, बोल दो हाय। तो ये मेरा बच्चा है और ये मेरा मंदिर है और हम लोग तैयार हो चुके हैं पूजा के लिए। ये है मेरी करवा माता। तो